What is the difference between getting jobs in off campus and on campus? मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम ऑफ कैंपस जॉब मिलती है उसे ज्वाइन कर ले या फिर हम कैंपस में ज्वाइन करें, तो आपको जो जॉब पहले मिल जाती है आप उसको आग बंद करके ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस में CTC का आपकी सैलरी में डिफरेंस नहीं होता है, सैलरी आपको सेम ऑफर की जाएगी, चाहे आप सेम प्रोफाइल के लिए अगर वैकेंसीज निकली है तो आप चाहे ऑफ कैंपस ज्वाइन करें या फिर ऑन कैंपस ज्वाइन करें, आपको सैलरी सेम ही मिलेगी, CTC पैकेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है लेवल ऑफ इंटरव्यू में, बिकॉज ऑफ कैंपस में 3 राउंड हो गए 4 राउंड हो गए, बहुत ज़्यादा राउंड्स होता है, जैसे आज एक राउंड हो गया उसके 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपका सेकेंड राउंड शेड्यूल होगा। तो गेटिंग जॉब ऑफ कैंपस इज मोर डिफिकल्ट, आपको बहुत सारा 4 या 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज देने पड़ेंगे और आधा आधा घंटे आपको घसीट लेंगे, वो खींच लेंगे, मतलब आपका तेल निकाल देंगे वहाँ पर ऑफ कैंपस अगर आप इंटरव्यूज में ट्राई करेंगे। पर अगर आप यहीं अगर आपको मौका मिलता है ऑन कैंपस सेम प्रोफाइल में सेम कंपनी के लिए, तो वहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, आपके सारे राउंड्स जितने भी होने होते हैं वो 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं, आपको सेम डे पर आपका रिजल्ट मिल जाता है वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सो गेटिंग जॉब्स इन कैंपस आर मोर इजी देन ऑफ कैंपस, सो फोकस करना अगर आपका कैंपस में शेड्यूल होता है उस कंपनी के लिए तो आप उसी कैंपस में क्लियर कर लें, क्योंकि चांसेस ऑफ क्लियरिंग इन कैंपस आर मोर। पर अगर कैंपस होने से पहले आपका पहले ही उस कंपनी में इंटरव्यू हो जाता है तो आप अपने आगे आने का हाथ में आया हुआ मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई कैंपस में पर लास्ट मोमेंट पर एक दिन पहले आपको इंटरव्यू की लिंक ही नहीं आते, और इस मौके पर इस हालात में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कहीं कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी और मेरे पास लिंक नहीं आया इंटरव्यू के लिए। अगर आपके के पास कोई लिंक नहीं आया इंटरव्यू के लिए मतलब यू आर नॉट सिलेक्टेड, मतलब आपको इस कैंपस में इस कंपनी के लिए आपके हाथ से मौका जा चुका है। तो आप कैंपस के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, अगर आपको ऑफ कैंपस कैंपस स्टार्ट होने से पहले ही जॉब मिल जाती है आप बिल्कुल उस पर फोकस करेंगे। तो ये अपने दिमाग से मत निकाल देना कि ऑफ कैंपस अगर जो हमें पैकेज मिलेगा वो कम होता है और ऑन कैंपस अगर सेम कंपनी के लिए सेम प्रोफाइल के लिए आपको पैकेज ऑफर होगा तो वो ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, पैकेजेस आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई माइनर डिफरेंस होगा तो छोटा मोटा वो हो सकता है बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। सो प्रेफर जो भी आपको पहले मिल जाए वहीं आप जॉब ज्वाइन कर लें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।